ये प्यार न होगा की लहर काफी दिनों से मिसिंग थी और जब आज वो हमें मिली है तो पूरी तरह से बदल चुकी है। वो लहर नहीं बल्कि यामी गौतम बन चुकी है। हाय यामी। हाय, मैं पहले भी यामी ही थी। बट क्या बात करें, आई वाज मिसिंग। आई थिंक सारा साल तो मैंने फेयर एंड लवली किया। आई नो, बट मीडिया से, टीवी शोज से काफी मिसिंग थी। करेक्ट। कांग्रेचुलेशन फॉर विकी डॉनर। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है सुपर फिल्म? बहुत 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 मजा आ रहा है क्योंकि पहली फिल्म जिसमें परफेक्ट एक किरदार हो, परफेक्ट स्क्रिप्ट हो, परफेक्ट डायरेक्टर हो, परफेक्ट प्रोड्यूसर हो, को-एक्टर्स हो, द लिस्ट इज एंडलेस। तो जब इस तरह का हो और साथ में जूम इंटरव्यू करने आए, आई थिंक इट्स क्वाइट फैंटास्टिक। ऑफर की बात करें तो किस तरह से ऑफर आया आपको? I think the casting director and Shreet sir was aware of my work, but of course क्योंकि ये फिल्म है, एक अलग किरदार है, तो स्क्रीन टेस्ट तो बिल्कुल बनता है। तो there were couple of screen tests and उसके बाद ओके, कमर्शियल में तो आप सबको गोरा है ना होने का ज्ञान दी थी कि बस ये क्रीम लगाइए और गोरे हो जाए। इस फिल्म में क्या करने वाली हैं आप? इस फिल्म में मैं एक बंगाली लड़की का किरदार निभा रही हूँ और कॉल आशिमा रॉय, वो दिल्ली से हैं और बहुत डिफरेंट है मुझसे। और इवन यू नो मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट था इस मूवी में, बिकॉज मैं चंडीगढ़ से हूँ तो वहाँ पे सनीमा तो कहीं से तो मैं गोली नहीं दिखती हूँ। सो वी हैड टू डू कपल ऑफ मेकअप ट्रायल्स, थोड़ा सा वार्मर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा दिया इन द फिल्म टू लाइक वी विल कन्विंस, वेरी कन्विंसिंग एज अ बंगाली गर्ल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आशिमा शी इज़ वेरी मच टुडेज गर्ल, आज की लड़की है, वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है एंड साथ के साथ शी अपना उसका खुद का एक वॉल्यूम सिस्टम है। शी हैज़ अ वेरी स्वीट बॉन्ड विद बाबा। और कैसे वो विकी अरोड़ा से मिलती है जो पंजाबी है और बिल्कुल एक ईस्ट और एक वेस्ट है, और कैसे सिर्फ दोनों खुद ही नहीं उनकी फैमिलीज भी, आप अगर मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हमने ह्यूमरस तरीके से, हमने कोई कॉमेडी नहीं की, हमने अपनी तरह से जेन्युइनली परफॉर्म किया। लोगों को आपसे बहुत मजा आएगा देखते हुए। ओके, इसमें जॉन अब्राहम प्रोड्यूसर हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक आइटम नंबर भी है उनका, सो हाउ इज़ द होल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? आइटम नंबर ओके, मैं ऐसे प्रमोशन वीडियो कहूँगी क्योंकि हम सब हैं उसमें। वो रिलीज़ भी ऑफिशियली हो चुका है और बहुत ही उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इट वॉज लॉट ऑफ फन शूटिंग इट। जॉन की जहाँ तक बात करूँ कि हम सब जानते हैं जॉन इज़ अ ह्यूज स्टार, वेरी गुड एक्टर एंड ऑल दैट, बट बिसाइड्स दैट उनमें एक एटीट्यूड है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, बहुत इंटेलिजेंट है, and that's the reason why he is what he is today. You know, he's an actor, he's a star, he's a producer. I think बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और वो बिल्कुल hesitate नहीं करते guide करने में, बताने में, और बहुत मज़ा आता उनसे बात करके। ओके, आयुष्मान से हमारी अभी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, बट जॉन अब्राहम है, मेरा गॉड ब्रदर है। आप क्या कहेंगे जॉन अब्राहम को अगर कोई ऐसा नाम देना रहा तो? आप चाहेंगे मैं उनको ब्रदर बोलूँ? आपकी मर्जी। मैं जॉन को मैं देखिए, आई थिंक हर इंसान जो आपको जेन्युइनली गाइड करे, आपको जेन्युइनली सपोर्ट करे, तो उसे मैं गाइडिंग गुरु डेफिनेटली बोलूँगी एंड जॉन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। और मतलब इतनी आमतौर पे ऐसी ये टर्म या टैग तब दिया जाता है जब बहुत पता नहीं कितने ज़्यादा साल हो गए इंडस्ट्री में, और आई थिंक विल बी द आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट स्टार्स टू रिसीव दैट। Okay, I mean, thank you so much and all the best for your movies. Thank you so much. Thank you.